हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो कल हमने क्या देखा था टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। डेटा कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने देखा था, रॉ डेटा एंड ग्रुप डेटा। रॉ डेटा को हम लोग ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रुप डेटा कितने टाइप्स का होता है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो रॉ डेटा को हम लोग डिस्क्रीट में बदलेंगे या फिर कंटिन्यूअस बदलेंगे। कंटिन्यूअस भी दो टाइप का होता है, एक्सक्लूसिव या फिर इंक्लूसिव। तो हम लोग रॉ डेटा को ग्रुप में बदलेंगे। ग्रुप में कितने टाइप्स का होता है, या तो कंटिन्यूअस बदलेंगे कंटिन्यूअस में, या तो एक्सक्लूसिव बदलेंगे, या तो इंक्लूसिव या फिर डिस्क्रीट में बदलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखते हैं कि रॉ डेटा को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या सीखेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये जो इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन 1 है बुक का हमारे, इसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। यानी इस डेटा को हम लोग डिस्क्रीट फॉर्म में लाने वाले हैं। कौन से फॉर्म में लाने वाले हैं हम लोग, डिस्क्रीट फॉर्म में लाने वाले हैं, न कि कंटिन्यूअस। ग्रुप डेटा के डिस्क्रीट फॉर्म में लाने वाले हैं। किस में लाने वाले हैं, ग्रुप डेटा के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में लाने वाले हैं। ओके, कंटिन्यूअस में भी लाएंगे उसके अगले वाले एग्जाम्पल में। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नंबर हमारे छोटे छोटे हैं, और कौन कौन से नंबर का यूज है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक यूज है। कितने नंबर का यूजेस है इस डेटा में, खाली 0 से लेकर 5 तक के नंबर्स का यूज है, यूज हुआ है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसको आप अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। तो अप्रोप्रिएट क्या बनता है, हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, पहले नंबर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नंबर्स। ओके, तो कौन कौन से नंबर्स का इस्तेमाल हुआ आप पहले बताइए। 0 का इस्तेमाल हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, और यहां पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, टैली मार्क। समझ में आ रहा है, ये हम लोग जो बना रहे हैं टेबल, ये ग्रुप ग्रुप डेटा बन जाएगा। ये रॉ डेटा है, ये क्या बन जाएगा, ग्रुप डेटा बन जाएगा। ग्रुप डेटा का कौन सा फॉर्म बनेगा, डिस्क्रीट फॉर्म बनेगा। कौन सा फॉर्म बनने वाला है, डिस्क्रीट फॉर्म बनने वाला है। यानी जो टेबल बन के आ रहा है, कौन सा टेबल है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या नाम बन के आएगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन के आएगा। तो पहले आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, रॉ डेटा को किस तरह से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लाएंगे। अगली बार हम लोग क्या सीखेंगे, रॉ डेटा को कंटिन्यूअस में कैसे लाएंगे। ओके, तो पहले हम लोग डिस्क्रीट में लाते हैं। तो सारे नंबर्स को लिख लिया, अब काउंट कीजिए कि 0 कितने टाइम है, 0 कितने टाइम। देखिए, एक बार, दो बार है, इसमें दो बार है, दो हो गया, इसमें कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बार है। 0 कितनी बार है, 17 टाइम्स है। फिर से काउंट कर लीजिए, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बार है। ओके, क्लियर है। अब 1 को देखना है कितने टाइम है, हमें 1 को जज करना है कि वो कितनी बार है। देख लीजिए, 1 इस्लामिक क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार है। कितनी बार है हमारा, 1, 1 हमारा 10 टाइम्स। उसके बाद 2 को देखिए कितनी बार है वो, है ना। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टाइम्स है। ओके, 3 को देखिए कितनी बार है वो, हमें 3 को देखना है कितनी बार है वो। 3 इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार है। 4 को देखिए कितनी बार है, 1, 2, 3, 3 बार है। 5 को देखिए कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 2 बार खाली है। कितनी बार है, 2 बार है। ओके, तो सारे नंबर्स को हमने काउंट करके, जैसे आप काउंट करते हो वैसे काउंट करके आपको नंबर्स को लिख देना है फ्रीक्वेंसीज में। एफ मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज होता है। यानी 0 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, ऐसा। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है उनकी कितनी संख्या है। ओके, अब हम लोग टेलीमार्क में क्या करने वाले, देखिए 17 बार है, तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी बार इसे कट मार देते हैं।
1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 5 10 5 15 हो गया और 2 17 हो गया, क्लियर है। 10 का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया, ओके। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 9 हो गया, ओके। 6 का कैसे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 का 1 2 3, 2 का 1 2, तो ये जो बन के आया ये क्या है आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने हमारे पास जो रॉ डेटा था उसका हमने क्या बनाया, उसका हमने बनाया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसका हमने क्या बनाया, इस डेटा का ये जो डेटा है वो हमारा किस तरह का डेटा है, रॉ डेटा है। कौन सा डेटा है, रॉ, कच्चे फॉर्म में है, उसको हमने ग्रुप बना लिया वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में। और ग्रुप में कौन सा डेटा आया, ये डिस्क्रीट टाइप का आया, दैट मीन्स जो हमने पाया है अभी, जो हमने अभी बनाया है वो कौन सा डेटा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ओके। तो इस तरह से हम लोग रॉ डेटा को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसीज एंड बाय यूजिंग टैली मार्क्स, ओके, समझ आया। तो अगले बार हम लोग क्या सीखेंगे कि रॉ डेटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे बनाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस का एक्सक्लूसिव या फिर इंक्लूसिव जो भी होगा वो हम लोग जानेंगे, हम लोग ये जानेंगे खाली कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, ओके।